व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है विनीत राघव और आप देख रहे हैं राघव अशोक टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड यार गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर अपने इंस्टाग्राम पे थक चुके हैं, मतलब कि आपकी जो रील्स होती है वो आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में शूट करते हैं, उसको एडिट हाई क्वालिटी में करते हैं, बट जब भी आप उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो यार उस रील की जो क्वालिटी होती है वो एकदम घटिया हो जाती है। मतलब इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के बाद आपकी जो रील्स की क्वालिटी होती है ना, वो बिल्कुल भी किसी लायक नहीं रहती। मतलब कि जो आपने एडिट किया था या जो आपने शूट किया था वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता इंस्टाग्राम के ऊपर। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको कि आप अप्लाई करके अपने डिफॉल्ट इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब मैं आपको वीडियो के अंदर कोई भी सेटिंग नहीं बताऊंगा, बट आपको यहाँ पे मैं दो ट्रिक बताऊंगा और उन्हीं दो ट्रिक की वजह से आपकी जो रील की जो क्वालिटी होगी ना, आपकी जो पोस्ट की क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी एंड आप काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के अंदर अपनी रील्स को अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ दबा दो बेल आइकन, जैसे कि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस देखो, सबसे पहले दो सेटिंग आप लोगों को हमेशा कर लेनी है एंड ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले दो चीज़ें, वो क्या, एक तो जो आपका इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है ना, वो आपके प्ले स्टोर से अप टू डेट होना चाहिए। यानी कि आपकी जो इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे जाइए, प्ले स्टोर सर्च करिए। प्ले स्टोर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है इंस्टाग्राम। आपको गाइस इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का इस तरीके से आइकन आएगा एंड आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो अप टू डेट रहे। तो गाइज, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपडेट है। अपडेट होने के बाद अब आपको जो आपकी जो कह सकते हैं कि जो आपकी वीडियो है ना, आपकी वीडियो की जो रेजोल्यूशन होना चाहिए गाइज, वो फुल HD होना चाहिए एंड फुल HD से अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो गाइज उसमें कंप्रेशन डालता है इंस्टाग्राम। तो देखो, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपना ओपन कर लेना है। बाय द वे गाइज, ये मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो भी आपने देखा उसको भूल के अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है लोनली स्टॉक एंड ये क्वार्ट्स पेज है। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। गाइस, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है simplebanda786_ पहले लगा देना। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉलो करने के बाद इसका फायदा ये रहता है कि अगर आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी वगैरह रहती है तो मुझे एज कम्पेयर टू यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आपका यहाँ पे ज़्यादा जल्दी उस डाउट को सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आपको गाइस यहाँ पे माई अकाउंट वाले सेक्शन पे जाना है। माई अकाउंट वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर चले आना है। अब सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें कि आपका 4th लास्ट ऑप्शन जो है आपका, वो है आपके अकाउंट का। अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। अब अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा जिसका नाम है सेलुलर डेटा यूज। अब सेलुलर डेटा यूज, ये गाइज एक ऐसी सेटिंग होती है जिसकी आपकी डिपेंड करता है कि आपकी जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं या फिर आप स्टोरी अपलोड कर रहे हैं या फिर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं वो किस क्वालिटी के अंदर अपलोड होगी आपकी इंस्टा के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो पहला है आपका डेटा सेविंग वाला एंड दूसरा है आपका मीडिया अपलोड क्वालिटी। एंड मीडिया अपलोड क्वालिटी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें कि आपका ये रहता है कि आपको, मतलब कह सकते हैं कि इसी की वजह से ही जो आपकी फुटेज होती है, जो आपके वीडियोस स्टोरीज होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी में अपलोड होती हैं। तो गाइज आपको सिंपली इस वाले बटन को क्लिक कर देना है एंड अब क्या होगा, अब आप जब भी एनी टाइम कोई भी आप फोटो अपलोड करेंगे या फिर कोई भी आप वीडियो अपलोड करेंगे या स्टोरी अपलोड करेंगे, सो गाइज वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के अंदर अपलोड होने वाली है इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड गाइज इस वाली सेटिंग को एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली, जैसे अगर आप ऊपर वाले बटन को भी ओपन कर देंगे ना, तो यहाँ पे सेलुलर प्लस वाईफाई दोनों पे क्लिक कर देना। बस ये वाली सेटिंग आपकी इनेबल हो चुकी है। बस जो मेन सेटिंग है ना वो आपकी नीचे वाली है, अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। सो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखें एंड इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मैं जैसे अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करूँगा, वो मैंने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपकी जो ये सेटिंग होगी वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाएगी इंस्टाग्राम में। एड अब इसके बाद आप रेडी टू गो हैं अपनी रील्स अपलोड करने के लिए, अपनी फोटोज अपलोड करने के लिए या फिर अपनी स्टोरीज अपलोड करने के लिए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड ये ट्रिक पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे आगे और ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।